आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी का ढोकला, जो बहुत ही रुई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। मेजरिंग कप से एक कप बेसन है, 125 ग्राम आता है इसमें। बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा, उसमें गुठलियाँ रहती हैं। और हम 1/4 कप सूजी ले रहे हैं, अगर आपको डालना हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1/2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें इनो नहीं डाल करके 1/4 से भी थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, वो डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और 1/3 कप दही हम डालते हैं। अगर दही नहीं है तो आप नींबू और पानी से भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल करके इसको एक अच्छा बैटर बनाते हैं। एक स्मूथ बैटर बन जाना चाहिए, तो चारों तरफ से अच्छे से मिला देते हैं। ढोकले को आज हम बनाएंगे कढ़ाई में, उसके लिए कढ़ाई रख लेते हैं। उसमें 1 या 1.5 ग्लास पानी डाल करके स्टैंड रख देते हैं। स्टैंड की जगह पे कोई प्लेट भी आप रख सकते हैं पलट करके। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं हाई फ्लेम पर। एक थाली में ऑयल लगाते हैं, जिसमें बनाना है आपको उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। हमें एक छोटी सी थाली में ग्रीस कर रहे हैं। 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिला देते हैं। ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत पतला होना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना हुआ है, देखिए ना गाढ़ा है ना पतला है। अब इसको हम प्लेट में डाल करके पकाते हैं। अब इसको हम कढ़ाई पे डाल देते हैं। इसको आप प्रेशर कुकर या भगोने पे भी बना सकते हैं। 2 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10-15 मिनट के लिए चेक करते हैं। इसको पकने में 10 या 15 मिनट लगेगा, तब तक हम नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए फ्रेश नारियल चाहिए, 3 या 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, भुनी हुई मूँगफली उसके छिलके उतार दीजिए और भुना हुआ चना। नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब मूंगफली को भी डाल देते हैं, भुना हुआ चना भी डाल देते हैं। भुना चना भी डाल दिए हुए हैं। अब इस पे 1/2 चम्मच या टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। फिर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए पानी डाल करके। चटनी मेरा बन के तैयार हो गया है, 10 मिनट टाइम हो गया है। ढोकले की तरफ देखते हैं, 10 मिनट बीत चुका है टाइम। अब हम खोल करके देखते हैं कि पका कि नहीं अच्छे से। एक नाइफ की सहायता से इसमें डाल करके देखते हैं। देखिए बीच में डाले हुए हैं, बीच में थोड़ा जल्दी नहीं पकता है, बिल्कुल देखिए क्लीन निकल रहा है, एकदम अच्छे से मेरा पक गया है। अब इसको हम बाहर निकाल करके ठंडा रख करके निकालेंगे। बिल्कुल मेरा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब चाकू की मदद से इसके किनारों को अलग करके निकालते हैं। देखिए कितना स्पंजी बनके तैयार हो गया है। हम कट करके दिखाते हैं आपको। तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और फिर इसमें हम सरसों या राई का छौंक लगाते हैं। जब राई में चटकने की आवाज आ जाए तब इसको गैस ऑफ करिएगा। फिर 2 चम्मच हम इसमें छौंक के लिए डाल देते हैं,
नारियल की चटनी में। अब इसमें पानी डालेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधी कटोरी। जब पानी खौलने लगे तो दो चम्मच चीनी डालेंगे। दो चम्मच चीनी डाल देते हैं, पानी खौलने लगा है। और आधा नींबू का रस निकाल के डाल देते हैं इसमें। हरी मिर्च डाल देंगे इसको, और अच्छे से एक बार खौला करके, चीनी गल गया है, चीनी अच्छे से गल गया। अब गैस ऑफ कर देते हैं, चीनी अच्छे से पक भी गया है, देते हैं। ये घोल डालने से ये होता है कि गले में अटकता बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा मेरा ढोकला बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी। इसको चटनी के साथ खाइए।